हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटवर्क सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड को किस तरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, चाहे वो जियो का हो, आइडिया हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या बीएसएनएल, कोई भी नेटवर्क हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो वेबसाइट आपको बताने जा रहा हूँ, इसके जरिए आप किसी भी इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि हमें जो इंटरनेट की स्पीड मिल रही है हमारे सर्विस प्रोवाइडर से, वो कितनी एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है और हमने जो अपना पैकेज किया हुआ है, चाहे वो 3G हो, 4G हो, उसमें हमें कितनी स्पीड देने के प्रोमिस किया हुआ है। तो दोस्तों, इसकी फुल जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने चैनल की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है और काफ़ी पुराना चैनल है, एनी टेक सपोर्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके की और वीडियो फ्यूचर में मिलती रहें। दोस्तों, हम गूगल का न्यू टैब पेज ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें सर्च बार में यहाँ पर speedtest.net की वेबसाइट को ओपन करना होगा। जी दोस्तों, ये स्पीड टेस्ट करने की ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे ही हमारा गूगल का टैब पेज ओपन होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो speedtest.net/okia, इसी वेबसाइट को हमें ओपन करना है और इस पर सिंपली हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा और बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरफेस है, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है, बिगिन टेस्ट। दोस्तों, हमें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, तभी हम अपने इंटरनेट की स्पीड को जान पाएंगे और अपना टेस्ट को बिगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद ये टेस्ट होना शुरू हो जाता है और हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो पिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और पिंग की जो स्पीड है वो 11 ms यानी 11 ms की है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। दोस्तों, पिंग क्या होता है, इसके बारे में आप दूसरी वीडियो को देख लीजिए। सिंपल तौर पर मैं ये बताता चलूँ कि जो पिंग होता है वो जैसे हमने इंटरनेट को कोई काम करने के लिए बोला, ये काम करो, उसने वो काम को कितनी देर में ऑर्डर को फॉलो करना शुरू किया, उसको हम पिंग बोलते हैं। तो फिलहाल मैंने जो इंटरनेट को जो ऑर्डर दिया, उसने 11 ms के बाद मेरा वो काम करना शुरू किया था, तो इसीलिए मेरी जो पिंग स्पीड है वो 11 ms की स्पीड है। और दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने जो डाउनलोडिंग जो स्पीड इसने दी हुई है वो 14.5 mbps की स्पीड दी हुई है, जो कि मुझे पता थी कि मेरे इंटरनेट की फुल स्पीड थी वो थी 20 mbps। तो 14.5 mbps की जो स्पीड थी वो तो थी मेरी डाउनलोड स्पीड। और इसके अलावा जो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट 4.21 mbps की जो स्पीड थी वो है मेरी अपलोड स्पीड। दोस्तों, हमेशा अपलोड जो स्पीड होती है वो कम होती है, क्योंकि हमें अपलोडिंग का काम ज़्यादा नहीं होता, अक्सर हमारा डाउनलोडिंग का काम होता है, चाहे वो हम कोई भी ब्राउजिंग कर रहे हो, गूगल पर सर्च कर रहे हो या फिर हम कोई भी यूट्यूब देख रहे हैं, वो सभी डाउनलोडिंग के अंडर में आती हैं, तो इसीलिए डाउनलोडिंग स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, आर यू ऑन ATSLAT? दोस्तों, ये जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर मैं उसका नाम देख सकता हूँ और आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को इसी तरह यहाँ पर कोई भी नाम देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो था इंटरनेट स्पीड चेक करने का तरीका PC के द्वारा। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम यही स्पीड को अपने मोबाइल से चेक करें, तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरह हम अपने मोबाइल से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लेता हूं। जैसे कि आप यहां पर देखते हैं, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और मैं गूगल के टैब पेज को ओपन कर लेता हूं। और गूगल के ऊपर हमें सेम वही वेबसाइट का नाम लिखना है, speedtest.net, और उसके बाद सिंपली दोस्तों इंटर कर देना या फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ ये वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो गई हैं और हम वो वेबसाइट को ढूंढ लेते हैं जो कि speedtest.net के नाम से है। और दोस्तों, यहाँ पर नीचे ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि speedtest.net की जो थर्ड जो वेबसाइट है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं। सिंपली हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर ओपन होने के बाद हमें ये इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बोलता है, क्योंकि हम बिना इस एप्लीकेशन के डायरेक्टली अपने मोबाइल पर इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने बहुत ही सिंपल जो रास्ता दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाई हुई है और जैसे ही हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली हमें प्ले स्टोर पर लेके चलता है और यहाँ पर हमें इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है। और हम यहाँ पर इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं, ऑलरेडी मेरी एक डाउनलोडिंग चल रही है, इसीलिए यहाँ पर डाउनलोड पेंडिंग बोल रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है और ये 14.41 mb की जो छोटी सी एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों, हमारे सामने सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्पीड टेस्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है और ये कुछ सेकंड लेगा एनालाइज होने में। और उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जिसके ऊपर लिखा हो बिगिन टेस्ट।
हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो स्पीड टेस्ट की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो चुकी है। और शुरू होने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो पिंग की जो स्पीड है वो 18 मिली सेकेंड ये मोबाइल के ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि मोबाइल और जो सिस्टम के जो पिंग स्पीड होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसने मेरी जो डाउनलोडिंग स्पीड दी है वो 15.30 Mbps दी हुई है, और अपलोडिंग स्पीड जो कि चल रही है, और अपलोडिंग स्पीड ही हमारे सामने अभी आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों हमारे सामने जो अपलोडिंग स्पीड है वो 4.59 की स्पीड है। अब दोस्तों हम कंपेयर करते हैं कि हमारे सामने जो रिजल्ट था वो पीसी के ऊपर क्या था और मोबाइल के ऊपर क्या था, तो लगभग सेम है। 15.5 जो पीसी के ऊपर दिया था और 14.5 जो पीसी के ऊपर इसने रिजल्ट बताया था, और 15.5 जो कि मोबाइल के ऊपर बताया है। वहीं अपलोडिंग जो स्पीड है वो 4.21 पीसी के ऊपर दिखा रहा था और 4.59 मोबाइल के ऊपर दिखा रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि मैं जो इंटरनेट यूज़ करता हूँ ये मेरे दोस्तों के साथ भी कनेक्ट है और वो लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि जो हमारे सामने डाउनलोड और अपलोडिंग की जो स्पीड है ये डिफरेंट हो रही है। और अगर आप इसी इंटरनेट को अकेले यूज़ कर रहे हैं तो आप जितने बार भी इसकी स्पीड टेस्ट करना चाहें वो हर बार सेम देगा और सेम ही स्पीड आपके सामने शो करेगा, चाहे आप मोबाइल से देख रहे हैं या अपनी पीसी से देख रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके की और वीडियो फ्यूचर में मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।